सो गाइस वेलकम बैक टू वीडियो एंड गाइस सो गाइस आज की हमारे वीडियो बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के लिए मजेदार रहने वाले हैं क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम लोग सिंपली से आपको यार अपना छोटा सा सेटअप दिखाने वाले हैं जो मैंने खुद तैयार किया है एंड बहुत ही सही है। नॉर्मली ये इंस्टाग्राम की रील्स भी अच्छी खासी शूट कर लेता हूँ मैं एंड साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोज वगैरह भी अच्छी खासी शूट हो जाती है तो आपको पूरा दिखाएंगे। तो इससे पहले आप लोगों को जो जो चीज़ें लेनी होगी सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जाके आप लोग अच्छे वो कर लूँगा। सो उसके बाद अभी सिंपली से आप लोग इंट्रो के बाद ये वीडियो देख पाएंगे। सो अभी आपको सिंपली से अपना सेटअप दिखाते हैं कि क्या कुछ मैंने लगा रखा है एंड आप लोग इस चीज़ को भी परचेज करके अपना अच्छा खासा इंस्टाग्राम के रील्स शूट कर सकते हो इस चीज़ से एंड ज़्यादा बड़ी रिंग लाइट नहीं है, नॉर्मली सी है, आप लोग को दिखाता हूँ सो वही आप लोग देख लो। एंड ये रही हमारी रिंग लाइट गाइस एंड इसके साथ ही साथ अपना ये ट्राइपॉड और ये जो सा आपको ये देखने को मिल रहा है स्टैंड, ये एक अलग स्टैंड है, इसका एक नॉर्मली ये वाला आता है बेसिकली और इसमें ट्राइपॉड के साथ उसके रिंग लाइट के साथ, बट ये मैंने अलग से परचेज किया क्योंकि इसका एक खास फीचर है, मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ का। एंड ये देखो आप लोग ये सेंटर वाला चीज़ है ना होल्डर, ये आप इसको 360 रोटेट कर सकते हो कोई भी वायर, पहले था और आज डिलीवर हुआ मेरे को और ये 360 रोटेट हो जाता है। आप लोग इसको नॉर्मली जैसे यूट्यूब की वीडियोस भी शूट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम की रील्स भी शूट कर सकते हो इसमें, बट इसमें एक फीचर यार ये नहीं है कि रिंग लाइट आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो एंड बहुत ही सही चीज़ है यार गाइस, एक नॉर्मली सा स्टैंड है एंड ये जो हमारा ट्राइपॉड है ये भी अच्छा खासा दिखने में है और ये देखो थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे टीवी वगैरह भी लगाया हुआ है और ये छोटा सा रूम मेरा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का एंड ये कुछ है। एंड गाइस आप लोग को मैं बता दूँ ये रिंग लाइट भी बहुत काम की है, चाहे भले छोटी सी है, दिखाता हूँ मैं आपको एक मिनट, मैंने टांग रखी ऊपर शायद दिख रही होगी, देखिए सो ये कुछ इस तरीके की है, टांग रखिए गाइस अभी नहीं तो नीचे गिर के टूट जाएगी, आप लोगों को अभी और अच्छे से समझाते हैं गाइस। देख लिया छोटा सा हमारा सेटअप है एंड इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पैकिंग वगैरह का कुछ दिवाल सा करते हैं या लाइटिंग वगैरह फिक्स करते हैं ताकि रूम थोड़ा और अच्छा क्रेक सके एंड और मज़ा आए इस रूम में वीडियो शूट करते हैं। एंड गाइस आपको मैं बता दूँ ये जो चीज़ें मैंने दी है ज़्यादा इन पर खर्चा नहीं किया गया है, नॉर्मली रोजमली 1500 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा भी नहीं है। ट्राइपॉड ये जो हमारा होल्डर है, होल्डर बेसिकली आप लोगों को यही लेना पड़ेगा, बेटर ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी नया मार्केट में आएगा इस, ये आप सभी लोगों के लिए बेटर बहुत ज़्यादा रहने वाला है ठीक है। सो एंड गाइस जो ये रिंग लाइट है, रिंग लाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है बट छोटी सी है ठीक है एंड अच्छी खासी है गाइस, काम बहुत बढ़िया जाती है एंड ये पीछे की तरफ उतना आपको मैंने दिखाई दिया एंड ये छोटा सा हमारा सेटअप है। सो इस तरीके का शूट करता हूँ और गाइस मैं कैसे करता हूँ शूट, जैसे आप भी आपको ये देख रहे हो कैमरा ये लगा पड़ा है एंड इसको सीधा कर देता हूँ, सीधा करके अपना जो होता है आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोग जैसे इंस्टाग्राम की रील्स शूट कर रहे हो तो आप लोगों को अपनी इंस्टाग्राम की रील्स इस पे अपने फ़ोन में चलानी नहीं है, उसने अपने दूसरे फ़ोन पे चला लो एंड आप लोग जब भी इंस्टाग्राम के रील्स शूट करते हो सो गाइज आप लोगों को सिंपली से अपने नॉर्मल कैमरा से शूट करना है ताकि एडिटिंग में कोई दिक्कत ना हो एंड आप अच्छी खासी एडिटिंग कर पाओ एंड वीडियो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले आपकी वीडियो में रील में जो भी है एंड गाइज अच्छा खासा ऑडियो भी देखने को मिल जाए। सो आप अपनी इंस्टाग्राम की रील्स अपने दूसरे फ़ोन में चलाइए एंड वहाँ से ऑडियो निकाल के अपने कैमरा वाले वीडियो में ऐड कर दीजिए, बस आपको लिपस्टिक अच्छी खासी करनी आनी चाहिए ताकि वीडियो के अच्छा खासा एक इम्प्रेशन सा पड़े एंड ताकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो एंड ये छोटा होता है एंड इंस्टाग्राम रील्स शूट करने के लिए ज़्यादा परफेक्ट है, मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। यूट्यूब वीडियो भी आज फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इस रूम पर, बाकी आपने दूसरे रूम पर उसकी स्टोरी कभी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते हैं, कैसा लगा आपको ये सेटअप छोटा सा मेरा एंड इसके बारे में कमेंट करके जरूर बता देना एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस वीडियो को यही एंड, तो
करेगा वही ग्रोथ जिसके सीने में हो आग, डेप्थ के बचाए जिसका एसेट में दिमाग। रास की ये बात न स्कूल में पढ़ाया, वेल्थ को बढ़ाना रिच डैड ने सिखाया। चाहे जैसे हो हालात मैं देता सबको मात, बड़ी सोच से ही दुनिया में बनती है औकात। कर मजबूत हो इरादा, काम क्षमता से भी ज्यादा तो जीत होगी पक्की, फिर कन्फर्म है तरक्की। वही करता है ग्रोथ जो शुरुआत करता है, जो सपनों के पीछे दिन रात करता है, खुराफात करता है जो शुरुआत।